बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला आप सबको आबाद और शाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आप से दूर रखे, बीमारों को शफा अता फरमाए, कमज़ोरों को कुव्वत अता फरमाए, और जिन बच्चे जो बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। आज हम आपको हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे, कैल्शियम और किडनी के अवार्ड का विज़िट करने जा रहे हैं। जिन फैमिलियों में खून की कमी होती है उनको खून फराहम किया जाता है। हमारा अपना बच्चा कैल्शियम का मरीज़ था, खून लगवाते रहे, गरीब फैमिली से था, आखिर सेहत बेहतर ना हो सकी और 21 साल की उम्र में पिछले साल अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। खून का अतिया देना भी बहुत मुश्किल काम है और अजर अजीम का काम है। इंसान का इंसान के लिए ही अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात के लिए कम न थे करोबियाँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करोबियाँ। इंसान को इंसान का दर्द दुख बांटने के लिए पैदा फरमाया है, एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी करने के लिए पैदा फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर एक इंसान की आपने जान बचा ली तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। खून जो जब दिया जाता है तो थोड़ा तकलीफ़ देह होता है, लेकिन आपका खून देकर किसी की जान बच जाए ये बहुत बड़ा अजर होता है, जिसका अजर आपको दुनिया में भी मिलता है। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती देता है, रोज़ी में बरकत देता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका अजर अजीम ज़खीरा कर लेता है। तो जिस तरह खून पसीना एक करके लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं, वो भी इबादत करते हैं, तो इसी तरीके से खून जो होता है ये इंसान की एक बहुत ज़रूरत होती है। जो सेहतमंद अफराद होते हैं वो खून का अतिया देते हैं, डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि दूसरे इंसान की जान बचाई सके जो कमज़ोर होते हैं। तलस्मिया के मरीज़ जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और कई किस्म का ये होता है। एक होते हैं कि जो हर महीने जिनको खून लगवाना पड़ता है, उनको खून चाहिए, अगर नहीं खून मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और फौत हो जाएंगे। और कईयों को 3 महीने में एक बार खून की ज़रूरत पड़ती है, और कई किसी को सिर्फ ज़िंदगी में 1-2 बार ही ज़रूरत पड़ती है, और कभी एक्सीडेंट हो जाए, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, या उस वजह से जो खून ज़ाया हो जाता है उस वक़्त उसको खून की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छी किस्म की आजकल मशीनरी आ गई है, ये सारी जो अतियात लेते हैं सबसे पहले इंसान की सेहत को चेक करते हैं कि ये बंदा सेहतमंद है, इसका खून ठीक है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, पॉजिटिव है, बी ओ नेगेटिव है, कौन सा खून का ग्रुप है, और फिर उसका खून लेकर इस तरह थैलियों में इन जो फ्रीज़र होते हैं इनमें रख लिया जाता है, 1 साल तक इसको इस्तेमाल में ज़रूरत के मुताबिक लाया जा सकता है, बस 1 बार डिफ्रोज करके 1 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें जो वाइट सेल्स होते हैं खून में और कुछ रेड सेल्स होते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक जिन मरीज़ों को रेड सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको रेड सेल्स दिए जाते हैं, उन्हीं के खून के ग्रुप के मुताबिक उनको चेक करके, ताकि कोई उनमें बीमारी ना फैले, और जिनको वाइट सेल्स की ज़रूरत होती है उनको वाइट सेल्स दे दिए जाते हैं। और जो खून देता है उसका भी बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ने अजर दिया।
खून देने के बाद अल्लाह ताला उसको 3 महीने में वो बिल्कुल फिट पाट हो जाता है, दोबारा फिर खून देने के काबिल हो जाता है, क्योंकि उसका खून जो होता है वो निकल जाता है, ताज़ा खून फिर जल्दी से बनता है, इस तरह उसकी बॉडी जो जल्दी रिकवर कर लेती है। जब ब्लड डोनेट करें तो फ़ौरन से उठ के खड़े ना हो चले जाएँ, जब चलना फिरना ना शुरू करें, थोड़ा आराम करें, फ्रूट और सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ, ज़्यादा पानी पिएँ और खुश रहें, इससे खून बनता है। और हर वक्त जलने सड़ने से और हर वक्त वरी करने से खून जलता है, तो जो सेहतमंद होते हैं उनका खून भी सेहतमंद होता है, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, और जो खून का अतिया देते हैं जो उनका बहुत बड़ी कुर्बानी है, हम ये अवेयरनेस के लिए देते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने आपको खून दिया है, आप लेने वाले भी हो सकते थे, आप देने वाले हैं। जो जो मेरे बहन भाई सेहतमंद हजरात होते हैं, जो तकरीबन 16-17 साल से 20 साल से ऊपर होते हैं और 50-60 साल से कम होते हैं, इनके दरमियान वो जब भरपूर जवानी में होते हैं तो वो खून दे सकते हैं, और खून दे के अल्लाह ताला पर यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा, जब तक वो बंदा सांस लेगा आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और ये भरपूर मदद होती है अल्लाह की रज़ा में, होती है ये आपकी एफर्ट, अल्लाह ताला इसका सिला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त के साथ, कामयाबी के साथ, सेहत के साथ, सुकून के साथ ज़रूर इंशाल्लाह ताला देता है, अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। ये देखें कि ये जो फ्रीज़र होते हैं इनको हमेशा उनको ऑन रखना पड़ता है, बेशक बिजली हो या ना हो, और उस रूम टेम्परेचर में उसको रखना पड़ता है, ताकि जो इतना कीमती आपका दिया हुआ अतिया है खून का वो ज़ाया ना हो और ज़रूरतमंद मरीज़ों की ज़िंदगी बचाई जाए। कई जो बच्चे होते हैं वो डायलिसिस पर होते हैं, जो तलस्मिया है वो ये ऐसा मर्ज़ है कि इंसान जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है, उसमें खून की कमी होती है, उसका जिगर जो होता है वो इनफ खून नहीं बना रहा होता, इंसुलिन नहीं बन रही होती, और उसके जो फेफड़े होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी आँखों से भी नज़र आता है, वो घर के काम जो होते हैं आम रूटीन के वो भी सही से नहीं कर सकते, कमज़ोरी की वजह से वो यहाँ पे गिरे पड़ते हैं, वहाँ पे गिरे पड़ते हैं, पढ़ाई में और खेल कूद में भी उनका इतना दिल नहीं लगता, कमज़ोरी होती है ना। तो जो बंदे सेहतमंद होते हैं वो हर एक्टिविटी में भाग दौड़ के हिस्सा लेते हैं। ये देखें मेरी सारी बहनें जो हैं अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने जमा हैं, और सारे जो वार्ड का खुद से मायना करेंगी, देखेंगी, जब इनकी मीटिंग होती है तो भरपूर तरीके से अपना ये रोल प्ले करते हैं, अपना एफर्ट करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं, इनका अजर अल्लाह ताला ही इनको दुनिया और आखरत में दे सकता है, हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और इनके हौसले को सलाम करते हैं, इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि सारे बहन भाई सारे बच्चे आपके ही बच्चे हैं और आपने ऐसा काम किया है कि प्राउड बनाया है हम सब को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दुनिया भर में, कि इस तरह भी होते हैं। इसीलिए जब हम दुआ लापे आती है दुआ पढ़ते हैं कि दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, बीमारों से मोहब्बत करना, तो आप इस तरह में भरपूर तौर पर हिस्सा लेते हैं। ये लायंस क्लब मुल्तान है, यास्मीन लायंस क्लब मुल्तान, जो डोनेशन मिलता है यहाँ पर मरीज़ आते हैं। एक मेरी बहन ने यूके से भी मुझे कॉन्टेक्ट किया था कि उनके बच्चे को मुजफ़्फ़राबाद के पास खून की बहुत अशद कमज़ोरी है और तलस्मिया का मरीज़ है और उसको खून लगवाने की ज़रूरत है, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप इन टीम से जाके रब्ता कर लें, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ, हम तो शाबाश कहने वाले हैं, हलाशेरी देने वाले हैं, अल्लाह ताला से इनके लिए अजर अजीम मांगने वाले हैं, अल्लाह ताला सब की औलादों को, सब के बेटों को, बेटियों को, बहनों को, माओं को, बच्चों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला जो कमज़ोर हैं उनको कुव्वत अता फरमाए, और जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत जाब अता
फरमाए। सरेआम जो है ना वो भी पाकिस्तान में खून के अतिये देते हैं और लेते हैं, उन्होंने लोगों को रजिस्टर्ड किया हुआ होता है और उससे वो खून उनको मिलता रहता है। ये देखें कि किस तरह वो सारी अवेयरनेस का सिलसिला चल रहा है, आप भी सुने। उसका थैलेसीमिया का एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, वो टेस्ट करवा लें। अगर उसका पॉजिटिव नहीं है फिर कोई मसला नहीं, वो फैमिली में शादी करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ फैमिली जहां भी करना चाह रहे हैं वो कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बच्चे का पॉजिटिव है फिर जिस बच्ची से उनकी शादी होनी है उसका ये एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट लाजमी करवाया जाए। उसका पॉजिटिव नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो शादी कर लें। लेकिन अगर दोनों का पॉजिटिव है तो बेहतर है वो शादी ना करें, क्योंकि उनके जो बच्चे पैदा होंगे चार में से एक तो कंफर्म है और बाद में ये होता है कि चार के चार ही मेजर थैलेसीमिया के होंगे, जिनको ये आम लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाता है इसरान। जी हाँ, मुल्तान में जैसे आवा खान है, शौकत खानम कर रही है, आई मक्का कर रही है सर। हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि कुछ फैमिलीज हमने देखी है कि उसमें कोई भी ना तो कजन मैरिज है ना उनमें से कोई पॉजिटिव है इस केस का, लेकिन उनका बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट होता है। एक ही एक बेटा था और 21 साल में उसकी डेथ भी हो गई है सर। देखिए अगर उनके माँ बाप के दोनों के टेस्ट कराएंगे ना वो पॉजिटिव होंगे, वो कैरियर्स होंगे, मेजर नहीं होंगे, माइनर होंगे ना। देखिए जो माइनर होता है ना उसमें ब्लड नहीं लगता, बेसिकली वो कैरियर्स हैं, उनकी वजह से आगे जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि इस चेन को ब्रेक किया जाए इस सूरत में। और इसमें भी हम कहते हैं कि पहले एजुकेट ये करें कि जो मेल पार्टनर्स हैं ना उनके ये टेस्ट करवा दिए जाए। अगर उन बच्चों के एंटीबायोटिक भी ले रहा हूँ उससे भी ब्लड नहीं लेते, स्टॉप करेंगे। और सर मोस्टली जो लोग होते हैं क्लाइंट्स आते हैं ब्लड प्रेशर का है, उसको शुगर है, या उसको जैसे फैट का प्रॉब्लम होता है, वो मेडिसिन तो ले ही रहे थे। अच्छा उसमें भी कुछ मेडिसिन ऐसी है, मैंने आज किया ना कि वो दे सकते हैं, कुछ वाले नहीं दे सकते। एक तो खुद उसमें पूरी लिस्ट मौजूद है और हर कैंप के ऊपर हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, वो फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या इसे ब्लड लेना है या नहीं लेना। उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि फिर उनकी तरफ लेना भी है तो उसमें रेकमेंड करते हैं कि इसके प्लेटलेट्स नहीं बनाने आपने, कि इसके जो प्लेटलेट्स बनेंगे वो काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे, वो मेडिसिन की वजह से उसको डैमेज कर रहे हैं। ये तो फिर आपके दर्शक यही होता होगा कि अगर 10 लोग आए हैं तो मेरे पास आपको एक या दो लोग ही उसमें ऐसे मसला। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सिविल लाइंस में मैंने कैप लगाया 72 लोग आए थे लेने के लिए, उसमें से 55 एक्सेप्टेड, हालांकि वो सब यंग थे, नौजवान थे ना, क्योंकि टीनेजर्स ही मोस्टली थे जो है। एक तो ये है कि हम लेते सिर्फ उसी से हैं जो दे सकता है, कि ऐसा नहीं है कि जो भी आगे चले हमारे हाथ आगे बस इसका वो पहले तो यही होता था कि पहले आया तो बस इसे फटाफट लगाओ बैग भरो जो हाँ दिया तो जी एक ही जगह चार इसी तरह से। फिर किन्हीं सवालों में से एक और सवाल 25 सवालों में से कि वो पूछते हैं कि आपने पिछले 3 माह में डेंटल वर्क या डेंटल प्रोसीजर तो नहीं कराया, अगर दांतों का काम कराया हुआ है 90 दिन नहीं गुजरे उस सूरत में भी हम ब्लड नहीं लेते। अच्छा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें कुछ नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ 30-40% जो इन्फेक्शियस रेट है वो ड्यू टू नॉन स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है। लोगों को ब्लड तो मिल जाता है लेकिन जो ब्लड मिलता है वो इन्फेक्टेड होता है और फिर 2-3 महीने के बाद पता लगता है कि उनको हेपेटाइटिस हो गया। इसलिए अब जब से हमारा सेंटर बना है या हमारी तरफ से जो ब्लड जा रहा होता है तो पेशेंट को कम अज़ कम ये श्योरिटी होती है कि उनको ब्लड लगने से कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस हवाले से काफ़ी, वरना थैलेसीमिया के बच्चों की सूरत याद ये होती थी कि वो एक तो उनको ब्लड लग रहा है फिर हर 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद पता लगता था उनको हेपेटाइटिस पे हो गया, उसका भी वो ट्रीटमेंट फिर करवा देते थे। तो यहाँ पर अभी ये जो ब्लड मौजूदा है तो फिर हमें इसको मसनूई तौर पर इसी तरह एजुकेशन में रखना पड़ेगा। एक तो इसका जो टेम्परेचर है वो हमें 20-24 तक रखना पड़ता है, जैसे अभी देखिए इसका 22.8 चल रहा है, 20-24 के दरमियान में इसका टेम्परेचर रखेंगे और इसी तरह से इसको एजिटेट कर देंगे। अगर इसकी एजिटेशन हम रोक देंगे तो फिर ये गुलाम मौके पीछे बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, फिर काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम इसको आज ही करते हैं। डॉक्टर आयशा ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ वेलकम करते हैं और आप सबको जो है ना ये हम मैं बता रहा था वेट टेस्ट के हवाले से, तो ये 20-24 के टेम्परेचर पे हमको रखते हैं। इसी तरह से ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक जो क्लास में है तो ब्लड ट्रीट होती है, हम उसको यूज़ नहीं करें। अगर बल्क में चाहिए हो
फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में जब हम लोग ब्लड ग्रुप और ग्लास मैच कर रहे होते हैं उसके लिए हमें आधा घंटा से 40 मिनट चाहिए उनके एक ब्लड ग्रुप। पुराने ज़माने में इस तरह की कोई मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट खून लेके तो दूसरों को लगा देते थे। खून लगाने के साथ ही उनको बहुत सारी और बीमारियों लागू हो जाती थी और वो मोहलिक बीमारियों में मुबतला हो जाते थे और लेने के देने पड़ जाते थे कि कभी हेपेटाइटिस हो गया है, कभी टाइफाइड हो गया, कभी एड्स जैसी भी बीमारी हो गई है। लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के सबब बहुत अच्छे से इंसान का चेकअप किया जाता है। जो डोनर होता है, डोनेट करने वाला, अतिया करने वाला खून का, उसका चेकअप किया जाता है और उसमें कोई ऐसी किस्म की बीमारी हो, कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, कोई डेंटिस्ट का कोई उन्होंने ट्रीटमेंट कराई हो, कोई उनका ऑपरेशन हो चुका हो, कोई उन्होंने खून लगवाया हो, बहुत सारा कुछ कंसिडर करके उनका खून लिया जाता है और चेक किया जाता है। अगर बिल्कुल ठीक हो तो फिर उसके ग्रुप के हिसाब से उसको खून को स्टोर किया जाता है ज़रूरतमंद के लिए। और इसी तरीके से जो लगवाने वाला है उसको भी अच्छे से चेक करके सारा खून दिया जाता है। और इस तरह ब्लड वर्ल्ड ब्लड बैंक भी होती है, ये सिटीज़ में भी होती हैं, और जो लोग हजरात खून दे सकते हैं बराहे करम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी सेहत का ज़कात दें, हदिया दें, ये अतिया दें खून का, जिनके पास जो जिस तरह का भी सोर्स है, इनकम है, जिस तरह का भी कोऑपरेट कर सकते हैं करें, ताकि आज आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, कल ना हो तो क्या कह सकते हैं। तो स्कूल में भी अवेयरनेस के लिए माँ बाप को बताया जाता है कि लड़का लड़की जो जब शादी के लायक हो जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें ना पाई जाएं। अगर दोनों कज़न हैं और दोनों के में पॉजिटिव है दोनों में, तो वो आगे बढ़ के बच्चों में वो ये कसर होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और बच्चों को बचपन ही से चेकअप किया जाए कि वो तलसमिया के मरीज़ तो नहीं हैं। तो एक थोड़ा सा भी माइनर होने के वजह से भी माँ और बाप में बच्चों में डबल हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ है, उसका भी असर पड़ता है। तो शादी से पहले ये चेकअप करवाने, ब्लड टेस्ट करवाना और सेहतमंद मर्द का और औरत का होना बच्चों के लिए, बच्चों की पैदाइश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बोन मैरो ट्रीटमेंट भी, ट्रांसप्लांट भी होता है, जिनके पास तो पैसा होता है वो तो ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और थोड़ा उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो तो खून लगवाने से और खुराक देने से भी नहीं मुहैया कर सकते। तो हम तो यही कहते हैं कि कम से कम बच्चों को अच्छा फ्रूट फल खिलाया जाए जो उनके लिए सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखें किस तरह उन्होंने खून की जो बोतलें हैं ए पॉजिटिव बी और नेगेटिव में सभी में करके रखी हुई हैं, उनका रिकॉर्ड रखा है।